हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मापा परिसर में। चलिए आज बनाते हैं पूड़ी आलू की सब्जी, साथ में बनाएंगे सूजी के हलवा, जो बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्जी बनेगी और जो पूड़ी बनेगी वो मसाला पूड़ी बनेगी। तो चलिए बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनाने वाली रेसिपी आप सभी से शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा निकाल लेंगे। आटा आप जितने लोगों के लिए पूड़ी बना रहे हैं उसी के अनुसार निकाल लीजिएगा। तो मेरे यहाँ 4 से 6 लोगों के लिए बन रहा है ना, तो थोड़े से ज़्यादा ही ली हूँ। उसके बाद सूजी के पैकेट और बेसन के पैकेट ली हूँ। बेसन में 1 कप डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे सूजी 2 कप। बेसन से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूड़ी में। और इधर में ना सूजी जो है ना उसको मैं 2 कप डाल रही हूँ ताकि इससे ना खस्ता बने पूड़ी। 2 कप इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूड़ी का, जो मसाला पूड़ी होता है ना उसका। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच लगभग। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको बिल्कुल मतलब स्किप मत कीजिएगा। अजवाइन पूड़ी में डालना ही चाहिए, इसे ना पेट भी मतलब कि ठीक रहता है। नमक भी डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पिसा हुआ या कूटा हुआ पेस्ट को डाल देंगे। उसके बाद ना 1 से 1.5 चम्मच डाली हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल। तेल से ना पूड़ी का जो रहता है ना वो खस्तापन अच्छा बनता है। अच्छे से हम इसको हाथों से मिला के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। चम्मच में जितना भी लगा था ना उसको साइड कर रही हूँ निकाल के। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इधर देखिए एक उबला हुआ आलू ले ली हूँ, उसको ना अच्छे से इस तरह से कद्दूकस करके डाल देंगे। कद्दूकस करके डालेंगे और इसको ना अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से अगर आप पूड़ी में डालते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पूड़ी में जो आलू का रहता है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको हम अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा इकट्ठा पानी में डालेगा, थोड़ा सा कम कम करके ही डालेगा तभी अच्छा बनेगा आटा। इस तरह से करके अच्छे से सॉफ्ट सा आटा नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा हार्ड लगाना है। पूड़ी के लिए क्या है ना सॉफ्ट नहीं लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए। उसके बाद इसको ढक के ना 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि सूजी ना अच्छे से फूल जाए। और इधर देखिए कढ़ाई रख रही हूँ मैं, कढ़ाई में डाल दे रही हूँ तेल। जो तेल आप खाते हैं उसी तेल को डाल दीजिएगा। उसके बाद जीरा और सूखी मिर्च डाल दी हूँ तड़के में। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग मेरे वहाँ पिसा हुआ नहीं है तो साबुत ही डाल दी हूँ। उसके बाद इधर देखिए कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, थोड़ी सी अदरक को क्रश करके डाल दे रही हूँ। आलू की सब्ज़ी में ना मुझे अदरक बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, पसंद है तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डाल देंगे ये सब्जी मसाला। उसके बाद थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चला लेंगे, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, मैं मोटे मोटे में कट कर ली हूँ। टमाटर को डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद ना इसको अच्छे से चलाएंगे और ना मतलब कि 3 से 4 मिनट अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। क्या है ना टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है और इसमें ना एकदम तेल छोड़ने तक पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आलू की सब्ज़ी बन रही है ना वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। उबला हुआ आलू को छील के मैं रफली कट कर ली थी बड़े बड़े पीस में। इसको अच्छे से मैश करते हुए ना 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। जब से ये नीचे ना चिपकने लगे तब तक भूनना है। उसके बाद इसमें पानी डाल देना है और ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। अच्छे से देखिए इतना पतला क्यों हो अभी, लेकिन ये पकने के बाद ना अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इसमें जब बॉयल आएगा ना हाई फ्लेम में और जब 5 मिनट बॉयल आएगा उसके बाद इसको हम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे। तो छोटे वाले बर्नर पे रख दी हूँ और इस वाले बर्नर पे मैं रख दी हूँ कढ़ाई जो छोटी वाली है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मतलब कि घी। तो 1 बड़े चम्मच मैं डाल दे रही हूँ और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे सूजी। सूजी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जितने लोग हैं उसी के हिसाब से सूजी डाल दी हूँ। उसके बाद इसको ना कंटिन्यू 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा तभी इसका कलर अच्छे से चेंज होगा और टेस्ट भी ना हलवा का अच्छा आएगा। जब इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा हो जाए ना तो पानी डाल लेंगे, ठंडा या गर्म कोई सा भी डाल सकते हैं, तो मैं ठंडा ही डाली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए इस तरह से गोल गोल करते हुए अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और फ्लेम को अभी हाई नहीं की हूँ मैं, मीडियम पे ही की हूँ ताकि ना सूजी अच्छे से पके और सॉफ्ट सॉफ्ट हलवा बन के तैयार हो जाए। तो इसको अच्छे से चलाते हुए पानी को पूरा सूखने देंगे। देखिए ये अच्छे से सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है, इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा तड़का पैन को ले रही हूँ, उसमें मैं डाल दी हूँ 1/2 चम्मच घी। घी में मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को अच्छे से रोस्ट करेंगे इस तरह से। अगर किशमिश को आप रोस्ट करके डालते हैं ना हलवा में तो हलवा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद उसी पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी और घी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम। इसको भी 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करेंगे फ्लेम को एकदम लो करके, और उसके बाद डाल देंगे हलवा में। ऐसे आप हलवा बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद इसमें ना सभी को डाल दें।
उसके बाद इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पे ही चलाइएगा ताकि अच्छे से इसे हमें सभी तरफ ना घी और जो ड्राई फ्रूट है ना उसकी खुशबू अच्छे से फैल जाए। और इसको अच्छे से दबा देंगे, गैस को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे। हलवा बन के तैयार हो गया है। अब रख दी हूँ मैं कढ़ाई लोहे की, जिसमें मैं पूड़ियाँ तलूँगी। तेल डाल दे रही हूँ, जितना तेल मेरे को डालना था, जितने पूड़ियाँ के लिए लगा था ना कि इतना तेल में हो जाएगा, तो डाल दी हूँ। उसके बाद इधर पूड़ियाँ को मैं फटाफट से बेल ले रही हूँ। आटा को दोबारा से गूंथना नहीं है, क्योंकि ये आटा ना ऐसे भी अच्छे से गूंथ जाता है, क्योंकि जो है ना मतलब गूंथ के आप 10-15 मिनट रख दोगे ना तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। पूड़िया में आधा को मतलब कि बेल ली थी, उसके बाद तलने के लिए डाल दी हूँ, तो पूड़िया ना बहुत अच्छे फूले फूले बनती है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ना बिना सब्जी के भी चाय के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक एक करके सभी पूड़िया को मैं तल तल के निकाल दे रही हूँ। आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना कितना टेस्टी पूड़ी बन के तैयार हो रही है। सभी पूड़ी को मैं इस तरह से तल तल के निकाल दे रही हूँ। ये देखिए सभी पूड़ी, लास्ट पूड़ी था, पूड़िया मेरे पूरा तल गए हैं। और इधर मैं प्लेट लगा दी हूँ, देखिए आज मैं डिस्पोजल वाला जो प्लेट होता है ना उसी में रख दे रही हूँ। सबसे पहले मैं हलवा निकाल दे रही हूँ, उसके बाद पूड़ियाँ रख दे रही हूँ, और साथ में ये देखिए डिस्पोजल वाला ही कटोरी ली हूँ, इसमें निकाल दे रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी, जो बिना लहसुन प्याज के बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी आप व्रत में रहते हैं तो बिना लहसुन प्याज खाते ना उस दिन बना सकते हैं। पूड़ियों को मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ, ये देखिए आज की टेस्टी सब्जी पूड़ी और हलवा। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।